Today's our lecture is for class 8, subject Sanskrit. Today we are going to discuss about grammar point Bhasha Sajjata. Starting se lekar jo form hai, first person ke wo bhi. See here activity 1 and 2. Read the word given below without touching the lip to each other. Manojaha Pathati Bharataha Phalam Babhuva. And second is without touching tongue and teeth. Tatparaha Dadati Dhanam Panthaha. कि हमें पता है कि without touching अगर lips को भी हम touch नहीं करवाते या tongue और teeth को भी touch नहीं करते तो वो word हम बोल ही नहीं पाते हैं. So here हम देखेंगे नीचे कि कौन कौन से word हैं और कौन कौन से वो वर्ग में आते हैं. फर्स्ट इज गटरल, यहाँ पे एल आएगा गटरल. सेकंड इज पैलेटल. थर्ड इज सेब्रेट. फोर्थ इज डेंटल एंड फिफ्थ इज लेबियल. ये क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5. वो 5 अलग अलग जो प्लेस होते हैं हमारे बोलने के तरीके के लिए. यहाँ पे उनकी जो वर्ड है उसके हिसाब से वो कंबाइन किए गए हैं कि कौन कौन से वर्ग में कौन सा वर्ड आता है. सी अब ये थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे. गटरल यानी कि कंठ्य. गटरल मीनिंग कंठ्य मीन्स कि हम जो वर्ड बोलते हैं वो हमारे कंठ से निकलता है, हमारे गले में से निकलता है. क ख ग ग अंग वो हमने बोला तो हमको लगता है कि वो हमारे आवाज गले में से निकल रही है. सेकंड है पैलेटल कि वो पैलेट यानी कि हमारा जो मुंह है माउथ है उसके अंदर जो तालू होता है ऊपर पैलेट होता है तो वो आवाज होती है वो बोलते हैं तो पैलेट को टच करती है हमारी जीभ. च छ ज ज ञ तो वो हम जो बोलते हैं वर्ड है च वर्ग वाला वो आएगा तालव्य में यानी कि तालू होता है हमारा उसके पीछे का हिस्सा होता है वहां टच होता है. सेलिब्रेट में क्या है मूर्धन्य बोलते हैं इसको हिंदी में. ट ठ ड ढ ण यानी कि हम जो ये वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तब हमारी जो टंग है जीभ है वो हमारे दांत के पीछे जो तालू का हिस्सा है वहां टच होती है. दांत के एग्जिट पीछे नहीं, दांत को टच करके नहीं, बीच वाले थोड़े हिस्से पे तो वो आएंगे सर्ब्रेट में. ट ठ ड ढ ण वो आएंगे मूर्धन्य. नेक्स्ट इज डेंटल. डेंटल यानी कि जब हम बोलते हैं कोई वर्ड देखो त थ द ध न देखा कि हमने हमारा जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वो दांत के पीछे के हिस्से को टच कर रहा है. त थ द ध न तो दांत के पीछे वाले हिस्से को जीभ टच कर रही है तो वो होंगे डेंटल. एंड नेक्स्ट इज लिबियल. प प ब भ म यानी कि ओष्ठ. लिबियल यानी कि ओष्ठ्य हम बोलेंगे तो वो हमारे दोनों जो लिप हैं वो आपस में टच करेंगे तब होंगे ये लिबियल वर्ड्स. ये 5 वर्ग हैं और उसके वर्ड्स हैं. अब है य र ल व. य र ल व तो य आएगा पैलेटल में, र आएगा सेरेब्रेट में, ल आएगा डेंटल में और व आएगा लिबियल में. लेकिन क्या है कि वो पूरा टच नहीं होता. व बोलेंगे तो हमें लिप टच होते हैं लेकिन पूरे एग्जिट जैसे प बोलते हैं तो नहीं होता. तो वो टच होता है पैलेटल है या डेंटल है या लिबियल है लेकिन आधा ही पूरा टच नहीं होता इसलिए उसके थोड़ा एंथेस्ट में एंथेस्ट वाले टेबल में रखा गया है. और श श स यानी कि हार्ड सिबिलेंट यानी कि उष्माक्षर वो बोलते हैं तो एकदम वजन आता है. श श स तो वो आते हैं उष्माक्षर में और ह आएगा सॉफ्ट सिबिलेंट. तो ये स्वर का बहुत डीप में जाकर आपको समझना पड़ेगा इसलिए सिर्फ व्यंजन वाला ही करवाया है. नाउ नेक्स्ट इज
एक्सरसाइज है, आपको लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखना ही है, साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन था। नेक्स्ट हम देखेंगे विभक्ति। विभक्ति में क्या होता है कि आठ प्रकार होते हैं, देयर आर एट टाइप। फर्स्ट होती है नॉमिनेटिव, कि पर्टिकुलर पर्सन या थिंग है या एनिमल है उसका ही नाम होता है तो वो होता है नॉमिनेटिव। सेकंड होता है एक्सेसिटिव, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, कजम टू द एलिफेंट। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको याद रखने की, फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव, सेकंड सेकंड से लेकर एट तक का होता है 2/4। ये ट्रिक है 2/4 फ्रॉम ऑफ ऑन, 2/4 फ्रॉम ऑफ ऑन। ये सिक्स और लास्ट वाला होता है संबोधन, किसी को हम एड्रेस करते हैं, किसी को हम बोलते हैं ना ऐसे ही, तो हे गज वो एड्रेस है। ये आठ विभक्ति है, सिंपल यह यही समझना है। गजह एलिफेंट, गजम टू द एलिफेंट, गजेन बाय द एलिफेंट, गजाय फॉर द एलिफेंट, गजात फ्रॉम द एलिफेंट, गजस्य ऑफ द एलिफेंट, गजे ऑन द एलिफेंट, हे गज ओ एलिफेंट। ये पता है हमें कि सिर्फ गज यानी एक ही सेंटेंस में ऐसे ही सिर्फ गज वर्ड नहीं आता, कभी कभी ऐसा होता है कि टू द एलिफेंट तो किसी ने हाथी की और केला फेंका तो वो टू द एलिफेंट आता है, बाय द एलिफेंट हम बोलते हैं कि एलिफेंट ने किसी के वो पैर के नीचे कुचल दिया तो हम बोलते हैं कि ही वॉज किल्ड बाय द एलिफेंट, फॉर द एलिफेंट कि किसी एलिफेंट के लिए रखा है तो आएगा फॉर द एलिफेंट, फ्रॉम द एलिफेंट बोलते हैं कि ये एलिफेंट के द्वारा फेंका गया है तो वो आएगा फ्रॉम द उसके द्वारा। ये षष्ठी विभक्ति मोस्ट ऑफ यूज होती है, गजस्य ऑफ द एलिफेंट, हम बोलते हैं ना कि एलिफेंट के पैर कितने मजबूत हैं या कितने मोटे हैं या पिलर जैसे हैं तो आएगा द लेग्स ऑफ द एलिफेंट ऐसा होगा। गजे ऑन द एलिफेंट यानी किसी ने उसके ऊपर कुछ फेंका तो हम बोलते हैं ना, या किस कोई उसके ऊपर बैठा है तो हम बोलेंगे ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। ऐसे अलग अलग अर्थ में आठ विभक्ति में वो यूज होता है। एड्रेस कभी हम बोलते हैं ना कि हे गज ऐसा बोल के क्यों एलिफेंट सिट हियर तो एड्रेस करते हैं तो वो होगा एट्थ संबोधन विभक्ति। ये शॉर्ट में था, आगे देखते हैं उसके राम के रूप। राम क्या होता है मस्क्यूलन में आएगा, एंडिंग इन अ राम, लास्ट में क्या आया म तो वो अकारांत पुल्लिंग हुआ, जैसे आपने सीखा था सिक्स क्लास में संस्कृत में। सी रीड रामह रामौ रामाह, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। ये एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन इसमें जो डार्क किया हुआ है प्रथमा द्वितीया और षष्ठी विभक्ति वो मोस्ट ऑफ यूज होती है, उसका ही हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है। इसमें जो राम था प्रथम विभक्ति एक वचन में राम था वो क्या है नॉमिनेटिव केस, सिर्फ राम का नाम जब लेते हैं एक वचन। रामम क्या है इन द सेकंड, सेकंड केस, सेकंड में क्या होता है टू रामा, बोला था ना मैंने 2/4 फ्रॉम ऑफ ऑन, 2/4
फ्रॉम ऑफ ऑन ही टू रामा, रामा राम के लिए, यानी कि टू रामा राम को एड्रेस करके कुछ होता है। उन्होंने राम को दिया या ऐसा, रामेण बाय रामा, रावण वॉज किल्ड बाय रामा, राम के द्वारा, रामाय फॉर रामा, लक्ष्मण राम के लिए फ्रूट लेकर आए तो वो फॉर रामा ऐसा होता है। फ्रॉम रामा, राम से, रामात, ऑफ रामा यानी कि राम का, तो हम बोलेंगे कि राम का धनुष ऐसा, कोई राम की वो चीज है ऐसा, षष्ठी विभक्ति। और रामे यानी कि ऑन रामा, किसी ने उसके ऊपर ऐसा फेंका या ये उनके ऊपर बैठे थे ऐसा। तो ये सिक्स ये, और लास्ट वाला जो होगा एड्रेस वाला, हे राम, हे रामऊ और हे रामा, ऐसे ही एंडिंग आ में फेमिनन होगा बाला। ये आप सिक्स में विभक्ति सीख की गए हो, आपको सिर्फ याद करना है, क्योंकि ये आप याद नहीं रख पाओगे, उसको आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे बोलोगी तो ही आप याद रख पाओगे। एंडिंग ई बाला, लास्ट में क्या है, ला, आ कारांत स्त्रीलिंग, बाला बाले बालाहा, बालम बाले बालाहा, बालया बालाभ्याम बालाभिहि, बालायै बालाभ्याम बालाभ्यः, बालायाः बालाभ्याम बालाभ्यः, बालायाः बालयोः बालानां, बालायां बालयोः बालासु, हे बाले हे बाले हे बालाः। जैसे राम में था, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, आकारांत में आ है, तो ये दो ही आपको रूप है विभक्ति के वो याद रखने हैं। एंड थर्ड क्या है, न्यूटर नाउन है वन, यानी कि न्यूटर में क्या होगा, वन, ना ही तो वो मस्कुलन है ना ही तो वो फेमिनन है, तो उसका है प्रथमा द्वितीय और संबोधन। वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, हे वन हे वने हे वनानि, इसमें भी सिंगुलर ड्यूअल और प्लूरल तीनों के अलग अलग रूप होते हैं। नाम हम सीखेंगे अस्मद और युष्मद के रूप जो है। प्रोनाउन हमने देखा होगा, द फॉर्म विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, कि नाम के बदले जो हम यूज करते हैं वो होता है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अस्मद युष्मद कह एषः एषा, पता है ना हमें कि एषः यानी न्यूटर में आता है तो उसके लिए मस्कुलन होता है, तो भी उसके लिए एषा यूज करेंगे, एषा यानी कि लेडीज या गर्ल के लिए हम एषा यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोनाउन का वो जो टेबल है आई और यू का वो हम देखेंगे। आई, ये टेबल है आई, अस्मद, अहम, आवाम, वयम, यानी कि जो होता है ना आई वी, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं आई और वी, तो यहाँ पे होगा अहम, फिर दो पर्सन है तो आवाम, और थ्री दो से ज्यादा है तो वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयोहो अस्माकम, ये आपको declensions याद रखने हैं। नेक्स्ट इज युष्मद, यू, अगर हम, वो था हमारा पर्सनल फर्स्ट पर्सन के लिए, लेकिन ये है सेकंड पर्सन के लिए, कोई एक व्यक्ति, कोई दो व्यक्ति सामने वाले या दो से भी ज्यादा। त्वम युवाम युयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युवयोहो युष्माकम, ये दोनों आप, ये रूप आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो था ये हमने
राम राम मम राम या राम मत वाला आगे राम की विभक्ति के साथ देख लिया। नाउ स्टडी द फॉलोइंग श्लोकास, हमें ये श्लोका देखने हैं और आपको ये सिंपल लैंग्वेज में जो श्लोका दिए हुए हैं वो याद भी करने हैं फॉर एग्जाम। अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदो दरी तथा पंचकम नास्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। ये प्रथमा विभक्ति है, नॉमिनेटिव केस में ही इनको बोला गया है कि अहल्या द्रौपदी सीता तारा और मंदोदरी, ये जो पांच है वो सती थी, एक पवित्र होती है ना औरत लेडी, वो थी। तो लिखा हुआ है कि स्मरेत नित्यम, इसकी हर रोज इन पांच पांचों सतियों का नाम लेते हैं तो हमारे जो पातक यानी कि पाप होते हैं उनका नाश होता है। द्वितीय गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हन्ति साधु समागम। गंगा है वो पाप का नाश करती है, शशि है वो ताप का नाश करता है, ऐसे ही पाप तापम दैन्यम, ऐसे ही जो साधु का समागम है वो सब इन सभी अवगुणों का नाश कर देता है। ये द्वितीय विभक्ति में यूज किया गया था। षष्ठी के लिए क्या था, हमने देखा था रामस्य गजस्य, यहाँ है हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम, यानी कि हाथ का आभूषण क्या है दान, और कंठस्य भूषणम यानी कि हमारे कंठ का आभूषण सत्य है, हम सत्य बोलते हैं तो ही अच्छा लगता है ना सबको। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, यानी कि कर्णों का हमारा आभूषण है शास्त्र, यानी कि अच्छा सुनना, भूषण ही क्रीम प्रयोजनम। तो फिर जो बाकी हम आभूषण पहनते हैं उसका क्या हेतु है। सप्तमी विभक्ति मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कुंडे कुंडे नवम जलम देशे देशे नवाचारा नवावाणी मुखे मुखे, यानी कि मति यानी कि बुद्धि, मुंडे मुंडे यानी कि हर मस्तिष्क अलग अलग होता है हर आदमी का, तो हर मस्तिष्क के अलग होते हैं तो उनकी मति उनके विचार भी अलग होते हैं। कुंडे कुंडे नवम जलम यानी कि कुंड यानी कि पानी का कुंड होता है या मटका होता है, तो सभी में नया अलग अलग जल होता है। देशे देशे नवाचारा, हर देश में अलग अलग आचार उनके होते हैं। और मुखे मुखे यानी कि हर मुख में अलग अलग वाणी होती है, सबकी वाणी अलग अलग होती है। लास्ट इज संबोधनम यानी कि हम किसी को एड्रेस करते हैं, तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। देखो गंगे यमुने नर्मदे था ना, वहां पे नर्मदे सिंधु कावेरी प्रसन्ना भव सर्वदा, यहाँ पे पांच पवित्र नदियों का नाम दिया हुआ है, सॉरी सात है, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये सब नदियों को एड्रेस करके बताया गया है कि हे गंगा हे यमुना हे गोदावरी हे सरस्वती हे नर्मदा हे सिंधु हे कावेरी प्रसन्ना भव सर्वदा, हम पर सदा प्रसन्न रहो। सो हियर देखो क्या लिखा है, नो नीड ऑफ लर्निंग केसेस बाय हार्ट, आपको इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट दे कैन बी मेमोराइज्ड बाय यूजिंग देम ग्रेजुअली, बाय हर रोज अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप उनको याद रख पाएंगे। नाउ फाइंड द नाउन एंड वर्ब, हमें पता है कि पीछे जहाँ पीतिलिंगा लिखा है सब में वो क्या है क्रियापद है वर्ब है, और आगे जो है वो नाउन है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे घंत्री सूर्य शिशु हंस और गज वो क्या हुए नाउन है, एंड गच्छति तपति खेलती तरती और चलती वो क्या है वर्ब है। Now next is हम सीखेंगे परस्मै पद और आत्मनेपद।
ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, पीछे देखेंगे हम। प्रेजेंट टेंस लट लकार हम देखें, आपने सीखा था ना 6th क्लास में, मी वह मह सी थ थ ती तह अंति, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और ऊपर क्या लिखना है, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। तो जो ये नम धातु है उससे बने वर्ड हैं, लेकिन किसके लिए, ओनली फर्स्ट पर्सन, नमामि, नमावः, नमामः, नमसि, नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। ऐसे आपको टेबल याद करना है और उसके हिसाब से ही ये नमामि के हिसाब से ही चल या पठ दोनों में से, पठ या चल दोनों में से एक का ऐसा ही टेबल नीचे ब्लैंक टेबल है उसमें लिखना है। नेक्स्ट किसका है, नृत, धातु क्या है, नृत यानी डांस, टू डांस, तो इसका होगा नृत्यामी, नृत्यावह, नृत्यामह, नृत्यसी, नृत्यथः, नृत्यथ, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो इसमें भी आपको कुप या तुष, ये दोनों में से एक धातु लेकर नीचे भी टेबल में कोई एक के लिए टेबल बनाना है। नेक्स्ट है लिख, लिखामी, लिखावह, लिखामह, लिखसी, लिखतः, लिखथ, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। सेम ऐसे ही पृच्छ, पृच्छ वो धातु को लेकर आपको नीचे वाला टेबल फिल करना है। और लास्ट में है कथ, कथ यानी बोलना, कथयामी, कथयावह, कथयामह, कथयसी, कथयथः, कथयथ, कथयति, कथयतः, कथयन्ति। तो ऐसे ही आपको रच का लेकर, रच यानी रचामी नहीं होगा, रचयामी होगा, तो वो लेकर रचय का, रच का धातु लेकर आपको नीचे वाले टेबल में उसका भी ये टेबल फिल करना है। जैसे कि रचयामी, रचयावह, रचयामह, रचयसी, रचयथः, रचयथ, रचयति, रचयतः, रचयन्ति। तो ये हमारा ग्रामर का लेसन है वो कंप्लीट हुआ है, ये आपके लिए रिवीजन ही है ऑफ ऑल जो कंजुगेशन है वो सब आपके लिए रिवीजन है। तो जो लर्न करना है और लिखना है उसकी पिक्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।